बार बार ये बोला जा रहा है कि वो एक हिंदू इंसान होने का इम्पर्सनेशन कर रहा था, तो अलावा पहनता था, रुद्राक्ष पहना था, वो एक्टिंग कर रहा था, वो बेवकूफ बना रहा था। वही न्यूज मीडिया, मतलब यही न्यूज मीडिया जो ये सब बात चला रही है, उसी न्यूज मीडिया में आपको इतने सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जिसमें साफ साक्षी के जो फादर है वो कहते हैं कि हम जानते थे साहिल को, हम जानते थे कि वो कौन है, हम मना करते थे उसको कि उसके साथ मत जाओ, पढ़ाई में ध्यान लगा, पर वो जाती थी। ये बोला है साक्षी के फादर ने, बोला है, न्यूज मीडिया चैनल ने रिपोर्ट किया है। दूसरा चीज जो बाकी न्यूज मीडिया चैनल ने रिपोर्ट किया है कि साक्षी और साहिल जो है वो सोशल मीडिया पे दोस्त थे। सोशल मीडिया पे साहिल का नाम है साहिल खान। लव जिहाद का जो ये टर्म है, लव जिहाद का मतलब क्या है, लॉ के अंडर में उसका क्या वैल्यू है, लॉ के अंडर में कितने केसेस जो लव जिहाद के अंदर फाइल हुए हैं, क्या VHP, बजरंग दल, RSS के जो तमाम संगठन हैं उनके अलावा लव जिहाद क्या लॉ में रिकग्नाइज्ड है, क्या वो पार्लियामेंट जिसके जिसका नाम लेकर, BJP जिसका नाम लेकर तमाम लोग सड़कों पे इस तरीके का वायलेंस करते हैं, लव जिहाद का नाम बोल करके मुस्लिम लड़कों को लिंच करते हैं, लव जिहाद के बारे में बात करके, काउ स्लॉटर के बारे में बात करके मुस्लिम लड़कों को लिंच कर दिया जाता है देश के अलग अलग कोनों में, ये सब जितना भी ये सब वायलेंस हो रहा है क्या उसका लॉ में कोई भी आइडेंटिफिकेशन है, पहले इस पर बात करनी चाहिए। दूसरी बात, इसी केस में जितना भी हम लोग को, मतलब इसी केस में स्पेसिफिकली अगर हम लोग बात करें, जितने भी फैक्ट्स सामने आ रहे हैं, बार बार ये बोला जा रहा है कि वो एक हिंदू इंसान होने का इम्पर्सनेशन कर रहा था, तो अलावा पहनता था, रुद्राक्ष पहना था, वो एक्टिंग कर रहा था, वो बेवकूफ़ बना रहा था। वही न्यूज मीडिया, मतलब यही न्यूज मीडिया जो ये सब बात चला रही है, उसी न्यूज मीडिया में आपको इतने सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जिसमें साफ साक्षी के जो फादर है वो कहते हैं कि हम जानते थे साहिल को, हम जानते थे कि वो कौन है, हम मना करते थे उसको कि उसके साथ मत जाओ, पढ़ाई में ध्यान लगा, पर वो जाती थी। ये बोला है साक्षी के फादर ने, बोला है, न्यूज मीडिया चैनल ने रिपोर्ट किया है। दूसरा चीज जो बाकी न्यूज मीडिया चैनल ने रिपोर्ट किया है कि साक्षी और साहिल जो है वो सोशल मीडिया पे दोस्त थे। सोशल मीडिया पे साहिल का नाम है साहिल खान, तो किसी को मालूम नहीं था कि वो एक मुस्लिम व्यक्ति है, छुपाया जा रहा था ये सब बातचीत, और ये एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत हो रहा है। ये बात जितना तेजी से हमको एक पर्टिकुलर सेक्शन, एक पॉलिटिकल सत्ता का जो समर्थन करते हैं वो लोग जितने आसानी से बोल देते हैं, हमें उतने आसानी से कंज्यूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि सच ये है कि एक तरफ जब पूरा देश खड़ा हो जाता है साक्षी के समर्थन में कि जो साहिल है, जिस वायलेंस, जो ब्रूटल मर्डर हुआ था उसका, सब उसके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, पुलिस भी तुरंत उसका अरेस्ट करती है, लेकिन दूसरी तरफ दूसरी साक्षी जो है उसके केस में कोई सुनवाई नहीं होती है। क्या साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बाकी जितने रेसलर्स हैं उनके साथ में जितने सालों से रिलेंटलेस कॉन्स्टेंटली उनका हैरेसमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा था, क्या वो कम खराब चीज है? क्या वो नरेंद्र मोदी के दो आंसू डिजर्व नहीं करते हैं? क्या साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और वो तमाम महिलाएं जो सिर्फ मेहनत करके कुश्ती करना चाहती थी, सिर्फ इतना सा सपना था, क्या वो लोग नहीं डिजर्व करते हैं कि देश के लोग सड़कों पर उतर कर उनके लिए जस्टिस की मांग करें? इस तरीके का डुअल बिहेवियर क्यों देखने को मिलता है हमको? हमको क्यों देखने को मिलता है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी अरेस्ट हो जाने के बाद में वो आंसू बहाते हैं, वो उनको बुरा महसूस होता है, जो वायलेंस होता है उसके लिए बहुत बिल्कुल महसूस होना चाहिए, हमें भी महसूस होता है, हर महिला, हर स्टूडेंट, हर प्रगतिशील तबके से आने वाले तरक्की पसंद इंसान को ये महसूस होना चाहिए, होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि वो ब्रिजभूषण शरण जो उन्हीं की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से आता है उसके ऊपर जब तमाम महिलाएं बोलती हैं कि ये सेक्सुअल हैरासर है तो नरेंद्र मोदी एक आंसू नहीं बहाते हैं, उसके खिलाफ कोई बात नहीं करते हैं? इस तरीके का हिपोक्रेसी क्यों देखने को मिलता है हमको? बात ये है, तरह से